की राजधानी के केंद्र में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है ये भव्य इमारत। इसका आकर्षण हर आने जाने वाले को अपनी तरफ एक बार नजर उठाकर देखने पर विवश कर देता है। ये कोई शिक्षण संस्थान या मात्र एक सरकारी कार्यालय नहीं, बल्कि भारत में विज्ञान और वैज्ञानिकों के सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो अपने कल, आज और आने वाले कल की कहानी स्वतः ही कहता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमेशा से ही हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहे हैं। प्राचीन काल में ही भारत ने विश्व को शून्य, आयुर्वेद विज्ञान व दो विश्व प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थान नालंदा और तक्षशिला जैसे अमूल्य रत्न दिए हैं। यहाँ के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों ने भारत को विश्व के विज्ञान जगत में सदा ही सर्वोत्तम स्थान पर रखा है। People like मेघनाथ साहा, जेसी बोस, एसएन बोस, ये सभी भारतीय विज्ञान के दिग्गज वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय विज्ञान को ऐसी दिशा दी जिन पर हम आज भी गर्व करते हैं। वो जो भी काम कर गए, हम शायद आज भी उन्हें नहीं कर सकते। सच कहूँ तो उनका मूल्य उद्देश्य, उनकी प्राथमिकता सिर्फ विज्ञान ही नहीं था, बल्कि देश का गौरव बढ़ाना था, ऑनर ऑफ द कंट्री। पिछले 50 सालों से देश में विज्ञान के अनुरक्षण और संवर्धन का बीड़ा उठाया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, ताकि भारत भी अन्य विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। स्वर्णिम साल का उत्सव मनाते हुए आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपने अंतर्गत कार्य कर रहे कई संस्थानों पर गर्व करता है, और इन्हीं में से एक है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी इंसा। मैं समझता हूँ कि हम औद्योगिक और आर्थिक रूप से तब तक उन्नति नहीं कर सकते जब तक विज्ञान की उन्नति न हो। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो वैज्ञानिक उन्नति के बिना विकसित बन सका हो। विकसित होने के सभी प्रयास अस्थायी रह जाएंगे जब तक हम विज्ञान में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देंगे। इंसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एक स्वायत्त शासी संस्था है, जो मूल रूप से भारतीय वैज्ञानिकों की प्रगति और संरक्षण के लिए वर्षों से तत्परता से कार्यरत है। Indeed, the idea of science academies is वास्तव में विज्ञान अकादमियों का विचार बहुत पुराना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परितंत्र में ये कई विशेष उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला, ये भारतीय विज्ञान और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को एक पहचान देती है। दूसरा, ये हमारे युवा और भावी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत और रोल मॉडल का काम करती है। जो अच्छा काम करना चाहते हैं वह इस अकादमी के सदस्य बन जाते हैं, जो काफ़ी प्रेरणादायक है। तीसरा, ये अकादमी कई ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करती है जिससे विज्ञान और समाज को लाभ पहुँचे। एक अकादमी के रूप में इंसा कई उद्देश्यों को पूरा करती है। मुख्य रूप से इंसा का काम राष्ट्र की वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचान कर उसे बढ़ावा देना और वैज्ञानिक अनुसंधान को पोषित करना है। ये अकादमी वैज्ञानिक समुदाय और सरकार के बीच में एक सेतु की तरह है, जो विज्ञान के सामाजिक पहलुओं को समझने और शोध के आधार पर नीतियाँ बनाने में सरकार की सहायता करती है। इंसा अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जुड़कर अलग अलग वैज्ञानिक पटल पर राष्ट्रीय मुद्दों की अभिव्यक्ति करने का अहम कार्य करती है, ताकि देश की विश्वस्तरीय पहचान बन सके। इसके साथ ही ये अकादमी वैज्ञानिक हितों की रक्षा व संरक्षण करने के लिए जर्नल एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती है। विभिन्न गतिविधियों का निर्वाह करते हुए इंसा आज देश की वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, पर 30 के दशक में इसकी स्थापना एक अलग ही उद्देश्य से हुई थी। कॉलोनियल पावर आज से करीब 100 साल पहले उपनिवेशिक शक्तियाँ भारतीय विज्ञान
और उच्च बौद्धिक गतिविधियों को विकसित करने में कोई रुचि नहीं ले रही थी। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से बढ़ावा नहीं मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए था, और इसलिए विशेष रूप से इन दो लोगों मेघनाथ साहा और सर सीवी रमन ने अकादमी बनाने का सोचा। ब्रोस द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अकादमीज। प्रोफेसर मेघनाथ साहा एक महान वैज्ञानिक थे, वो दूरदर्शी थे। जब यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी बने तो उस समय इसका नाम निसी रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर इंसा कर दिया गया। ये कह सकते हैं कि इंसा इस महान वैज्ञानिक की वजह से ही बना। इसकी मूल संरचना और संगठन को बनाने का पूरा पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस बात की सार्थकता इंसा पूरी तरह सिद्ध करती है। ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश प्रकाशक अपनी पत्रिकाओं में भारतीय शोध को जगह देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए सन 1935 में इस अकादमी की स्थापना सिर्फ भारतीय शोध को प्रकाशित करने के उद्देश्य से की गई थी। पर धीरे धीरे ये अकादमी वैज्ञानिक समुदाय की आधारशिला के रूप में विकसित हुई और भारतीय विज्ञान का प्रतीक बन गई, और तब से आज तक ये विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कई भूमिकाओं का निर्वाह कर रही है। इंसा का सबसे महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचान कर उन्हें फेलोशिप देना है। इसके साथ इंसा पुरस्कारों के माध्यम से युवा वैज्ञानिकों को भी सहयोग देता है ताकि वह अपना करियर शुरू कर सके। ये काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जो युवा वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इंसा वरिष्ठ वैज्ञानिकों को भी अनुदान देता है ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना काम जारी रख सकें। साथ ही इंसा कई और ऐसी गतिविधियां करता है, जैसे विंटर और समर स्कूल्स को आर्थिक मदद देना, दूर दराज के इलाकों में विज्ञान व्याख्यान करना, मीटिंग्स और सेमिनार करवाना आदि। अरेंजिंग लेक्चर्स। इंसा एक संगठित प्रणाली के तहत काम करती है जिसमें कुल 31 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 6 उपाध्यक्ष, 20 निर्वाचित सदस्य और 4 मनोनीत सदस्यों का त्रिस्तरीय परिषद शामिल है। This three-layer structure of the academy. अकादमी की यह 3 स्तरीय संरचना बहुत उपयोगी है क्योंकि यह सभी मुद्दों के लिए पर्याप्त मंच और पर्याप्त स्थान प्रदान करती है ताकि परिषद हर नीति योजना और शासन से जुड़े मुद्दों पर उचित राय बना सके। पॉलिसी प्लानिंग एंड गवर्नेंस इश्यूज। शोध ही विज्ञान की रीढ़ है, इसलिए इंसा अलग अलग पायदान पर काम करते हुए देश में किए जा रहे महत्वपूर्ण शोधों और उनसे जुड़े उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की पहचान कर उन्हें फेलोशिप प्रदान करती है। इंसा की फेलोशिप और अध्यक्षता हासिल करना देश के किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक उच्च व प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। कई भारतीय वैज्ञानिक जैसे मेघनाथ साहा, डी एन वाडिया, एसएस भटनागर, होमी जे भाभा सहित अन्य जिन्होंने देश में विज्ञान की ठोस नींव डालकर इसकी नियति को आकार देने का काम किया है, वे सभी इंसा की एक अहम कड़ी रहे हैं। बिकमिंग एन इंसा फेलो इज अकादमी की बात करें तो इंसा का सदस्य बनना हर वैज्ञानिक का सपना होता है क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है, इसीलिए जब कोई इंसा फेलो बनता है तो अपने आप को खुशनसीब समझता है।
जब मैं IIT बॉम्बे में था तब मैं इंसा का फेलो बना। एक दिन मैं पैदल घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक कलीग ने मुझे देखा। उसने तुरंत गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा और सड़क पार करते हुए मेरी तरफ आया और मुझे कहा कि बधाई हो, आप इंसा के फेलो बन गए। वो क्षण मेरे लिए बहुत बड़ा था। Becoming the fellow of INSA was... INSA का फेलो बनना आपको उत्साहित करता है, यह हमारे करियर को संपूर्ण करता है, यह आपको प्रेरणा देता है कि एक वैज्ञानिक के रूप में काम करते हुए आप देश और वैज्ञानिक समुदाय के लिए कुछ अच्छा करें। फेलोशिप देकर जो विश्वास आप पर किया गया है वह बहुत मायने रखता है और प्रेरित करता है कि अकादमी को गुरु दक्षिणा देने के लिए हम समाज और देश की उन्नति के लिए निरंतर काम करें। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 938 फेलो, 95 विदेशी फेलो और 11 नोबल पुरस्कार विजेता इंसा से जुड़े हुए हैं। इंसा फेलो का चयन करना एक कठिन प्रक्रिया है जिसे 10 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इन सभी ने इंसा का हिस्सा बनकर अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए देश में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन पर पूरे देश को गर्व है। सिर्फ युवा वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुभव की महत्ता को भी ये अकादमी पूरी प्राथमिकता देती है और उन्हें हर प्रकार से सहयोग प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इंसा द्वारा विदेशी फेलो का चयन भी एक और ऐसी गतिविधि है जिससे विश्व पटल पर हो रही उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और विचारों का विस्तार सफलतापूर्वक किया जा सके। ये अकादमी राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर वैज्ञानिक समुदाय के विचारों को आवाज में बदलने का काम करती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के समय पर सेमिनार्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और ग्रुप डिस्कशंस को इंसा द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल होते हैं। इन गतिविधियों के तहत इंसा ने GM क्रॉप्स, इनोवेशन, एथिक्स और हायर एजुकेशन जैसे कई अहम विषयों पर रिपोर्ट्स बनाई एवं प्रस्तुत की है। देश की एक बहुमूल्य वैज्ञानिक संस्था होने के साथ साथ इंसा ही वो एकमात्र अकादमी है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इंसा जी साइंस इंटर अकादमी पार्टनरशिप और कॉमनवेल्थ अकादमी के साथ हस्ताक्षर करने वालों में से एक है जिसने बुनियादी विज्ञान को बढ़ावा देने, कीड़ों की आबादी कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलाइजेशन जैसे कई विषयों पर स्टेटमेंट्स तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना ही नहीं, IAP से जुड़कर इंसा ने आज के एक प्रमुख विषय COVID-19 के विरुद्ध संघर्ष में भरपाई हेतु हरित मार्ग तैयार करने पर भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। इंसा ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों जैसे इंटरनेशनल साइंस काउंसिल में भारत का प्रतिनिधित्व करने में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंसा ने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक नीतियां बनाने के प्रति कई योगदान दिए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंसा भारतीय वैज्ञानिक पारितंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। इतना ही नहीं, इंसा को ही एकमात्र ऐसा संगठन होने का गौरव प्राप्त है जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद से जुड़े 27 संघों द्वारा आयोजित विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों में आधिकारिक रूप से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी इस गतिविधि के आधार पर ये अकादमी भारतीय वैज्ञानिकों को अपने विचारों और शोधों को विश्व स्तरीय मंच पर साझा करने का अवसर प्रदान करती है। मैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में अध्यक्ष के रूप में शामिल हूँ जहाँ हम केमिकल साइंस के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। हम 5 लोग हैं और मैं इसकी अध्यक्षता करता हूँ। हम इंसा के माध्यम से ही भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाए हैं जहाँ बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इंसा हमारा प्रतिनिधित्व करने का शानदार काम कर रही है ताकि हमारे विचार भी सुने जाएं और ये भी सुनिश्चित कर रही है कि विज्ञान और तकनीक में किए गए हमारे कई वैज्ञानिक हस्तक्षेपों पर भरोसा किया जाए जब पूरा विश्व भारत से हल्की उम्मीद करता है।
इसी के साथ इंसा ने IAP के साथ जुड़कर ऐसा गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई है जिसने विज्ञान, स्वास्थ्य और अनुसंधान पर केंद्रित होकर काम करने का बीड़ा उठाया। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्य और राष्ट्रमंडल की वैश्विक परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल है। इंसा ने भारत में जी साइंस मीटिंग का आयोजन किया जिसमें G8 देश के अलावा अन्य 5 देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि ये मीटिंग किसी गैर G8 देश में की गई थी। इसमें 2 स्टेटमेंट लिखे गए और जिसे सभी राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। हमने दक्षिण एशियाई अकादमियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की एक अनूठी पहल भी की थी जिसमें राज्यसभा टीवी के अनुरोध करने पर हमने एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया जिसे राज्यसभा टीवी द्वारा उस समय कई बार प्रसारित किया गया था। पूरे विश्व की अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ इंसा कई द्विपक्षीय कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यरत है। वर्तमान में इंसा के 50 देशों में कार्य कर रही करीब 59 अकादमी के साथ स्थायी संबंध हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, इंसा ने IAP के साथ जुड़कर अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विज्ञान में नैतिकता, प्रकाशन में नैतिकता, प्लेगियरिज्म यानी साहित्यिक नकल, महिलाओं एवं पुरुषों की समानता का सम्मान और पशुओं के प्रति व्यवहार जैसे अनेक विषयों पर आचार संहिता को विकसित करने में इंसा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज इंसा वैज्ञानिक समुदाय के विभिन्न उद्देश्यों की ओर तत्परता से काम कर रही है, पर अभी भी इस अकादमी के लिए वह उद्देश्य सर्वोपरि है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, यानी भारतीय शोध का प्रकाशन। इसके प्रकाशन का दायरा बहुत विशाल है। एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, मेटलर्जी और सर्जरी से लेकर फिजिकल और अर्थ साइंस जैसे विषयों पर इंसा ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो ज्ञान के समुद्र के समान है। हमारे पास भारतीय विज्ञान के हर पहलू पर अध्याय लिखे हुए हैं क्योंकि ये करना हमारे लिए बहुत आसान है। हर क्षेत्र से फेलो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं और वो हमें सारा डेटा दे देते हैं। हम उन्हें संपादित करके डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। ये किताबें और जर्नल्स देश के वर्तमान और आगामी वैज्ञानिक आकार और विकास का आईना है। इनसे सामाजिक चुनौतियों का सामना करने और भविष्य को सुरक्षित करने का अथाह ज्ञान मिलता है। इंसा की ये समृद्ध लाइब्रेरी वैज्ञानिक संसाधनों की जीवन रेखा है जो अपने विशाल संग्रह में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समृद्धियों को समेटे हुए है। इंसा द्वारा संचालित प्रत्येक गतिविधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सदा ही साथ रहा है, फिर चाहे वो मूल उद्देश्यों की पूर्ति करना हो या इस अकादमी को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना हो। ये इसी निरंतर सहयोग का परिणाम है जो इंसा के लिए दिल्ली के केंद्र में इस भव्य और आकर्षक इमारत का निर्माण किया गया जहां लाइब्रेरी, सभागार, अतिथि गृह और फेलो लाउंज जैसी संपूर्ण विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंसा के पास दिल्ली के केंद्र में स्थित एक आधुनिक संरचना वाला सचिवालय है जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों का आयोजन किया जाता है। इंसा के अलावा यहां DST, DBT और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की मीटिंग्स भी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्षेत्रों से जुड़े सर्वोच्च वैज्ञानिक जो अपनी यथाशक्ति से बढ़कर देश हित के लिए काम कर रहे हों, उन्हें सम्मानित किया जाना उनके मनोबल को बढ़ाता है और उनकी क्षमताओं का विस्तार करता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये अकादमी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70 से भी अधिक पदक और सम्मान प्रदान करती है। समाज में विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाने से लेकर शिक्षक को प्रेरित करने के लिए टीचर अवार्ड सभी इंसा द्वारा दिए जाते हैं।
इसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर फैकल्टी का चयन करना भी इंसा की एक मुख्य जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक विकास के लिए इंसा बहुत से सम्मान देता है, जिसमें उन गतिविधियों की पहचान करना भी शामिल है जो विज्ञान के विकास और लोकप्रियकरण का काम करती हैं। इंसा का ये मानना है कि एक वैज्ञानिक का जन्म स्कूल की कक्षा में होता है, जिसमें उत्कृष्ट शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए इंसा टीचर अवार्ड दिया जाता है। ये पिछले कई सालों में काफी लोकप्रिय हो गया है। ये सच है कि भावी विज्ञान जगत की नींव है आज के युवा वैज्ञानिक, इसलिए उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए इंसा ने वर्ष 2015 में भारतीय युवा विज्ञान अकादमी यानी इन्यास का गठन किया। इन्यास इंसा की एक प्रमुख पहल है जो जर्मन व विश्व की अन्य अकादमी के ढांचे पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के युवा वैज्ञानिकों के बीच विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान को पोषित कर उनके वैज्ञानिक बल को बढ़ाना है। साइंटिस्ट होना और इंसा से जुड़ना बड़े सम्मान की बात है। ये हमें भारत और दुनिया भर के महानतम वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर देता है, जो हमारे ज्ञान को विकसित कर अंत में समाज को लाभान्वित करता है। इन्यास अपने स्तर पर कई गतिविधियों का संचालन करता है। इसमें साइंस आउटरीच प्रोग्राम और साइंस कैंप्स लगाने से लेकर दूर दराज के इलाकों में साइंस लेक्चर करवाना और टीचर्स को ट्रेनिंग प्रदान करने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अगर मैं इन्यास का मेंबर नहीं होता तो शायद इतने बड़े लेवल पर ये जो सारे काम हो रहे हैं वो शायद मैं नहीं अकेला नहीं कर पाता। When I go in remote village and conduct remote area lecture or science camp, when I see the, you know, these kids becoming happy after listening in their own language, I also feel satisfied. And अगर कोई एक बच्चा भी इसमें साइंस को अपना करियर बना लेता है आगे चल के, एक अच्छा साइंटिस्ट बन जाता है, सो आई विल बी मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आज इंसा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के महत्वपूर्ण सहयोग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान को पोषित और प्रोत्साहित करने की एक मजबूत प्रणाली का निर्माण किया है और इनकी भावी योजनाएं इस प्रणाली को और भी सशक्त करने के ठोस प्रमाण देती हैं। जहां तक भविष्य की योजनाओं की बात करें तो यह मात्र नीतियां बनाने से कहीं अधिक है। हम सुदूर छोटे छोटे इलाकों में पहुंचकर वहां के स्थानीय भाषा में विज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ हम भावी वैज्ञानिक मुद्दों पर केंद्रित कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, जिसमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों की जानकारी होगी और साथ ही जनता को उनसे निपटने की राह भी दिखाई जाएगी। हमारे प्राथमिक लक्ष्यों में युवा प्रतिभा को पहचानकर उन्हें सहयोग प्रदान करना भी शामिल है। भावी योजनाओं के तहत हम छोटे संस्थानों को हर संभव मदद पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो वैज्ञानिक गतिविधियां और भी बेहतर ढंग से कर सके। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंसा ही वो संस्थान है जो भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमताओं का विस्तार कर उन्हें संपूर्ण रूप से सशक्त करने में सफल रहा है। तभी तो आज देश का हर वैज्ञानिक इस संस्था से जुड़कर राष्ट्र विकास की आकांक्षा रखता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रही सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम भविष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिससे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।
राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है विज्ञान, और विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाती है ये संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी।